आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का एक साल हो चुका है। कितनी तब्दीली इस समय जम्मू कश्मीर के हालात में आई है और खासतौर पे सिक्योरिटी के तौर पर क्या तस्वीर है, ये बताने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहला ये सवाल कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का एक साल हो चुका है, सिक्योरिटी के तौर पर या फिर नंबर ऑफ टेररिस्ट के तौर पर, पत्थरबाजी के तौर पर, कितना चेंज आपको ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत सा बदलाव इन सभी फ्रंट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है जिनका आपने जिक्र किया है। टेररिस्ट जो वायलेंस है, अगर उसका जिक्र करें तो इस पूरे साल के अंदर बहुत गिरावट उसके अंदर आई है। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है, मतलब इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते जितना लाइन ऑर्डर की सिचुएशन में सुधार हुआ है। अगर 19 के मुकाबले में इसको कंपेयर करें तो 75% लाइन ऑर्डर के इंसिडेंट्स जो हैं वो कम हुए हैं, और अगर मिलिटेंसी की बात करें तो रफली 36-37% जो मिलिटेंसी के रिलेटेड जो वायलेंस है उसमें गिरावट आई है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, नए बच्चे जो टेररिज्म की तरफ जा रहे थे उनका रुझान बहुत कम हुआ है। पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग ख़त्म हुई हैं, कोई इस तरह की बात नहीं। लाइन ऑर्डर की इंगेजमेंट पूरे साल के अंदर कहीं भी कोई सीरियस तरह की नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं कि हर पहलू पे अगर देखें सिक्योरिटी एंड लॉ ऑर्डर के लिहाज से तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सर, पिछले एक साल में जो नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड हैं वो लगभग कितने हैं, और जो अभी भी कितने एक्टिव हैं जिन पर लगातार दबिश डाली जा रही है, लश्कर, जैश, हिजबुल की जो टॉप लीडरशिप है वो आपने पूरी तरीके से रिमूव किया। एक और चेंज देखने को मिला कि आपने लोकल टेररिस्ट को डीरेडिकलाइज करना और सरेंडर करने के लिए लगातार बोला। हमारी कोशिश रही कि जहां जो इस वक्त एक्टिव टेररिस्ट है, जो समाज के लिए एक किस्म का समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खतरा है, सिविलियन कैजुअल्टीज़ कर रहे हैं। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अभी भी एक किसी सिविलियन को गोली मारी है कुलगाम के ज़िले में, और इस तरह की हरकतें नापाक इरादे जो हैं पाकिस्तान के और इसकी एजेंसियों के इशारे पर जहां के टेररिस्ट आउटफिट, क्योंकि वहीं से स्पॉन्सरशिप सारी आ रही है, करते रहते हैं। हमारी कोशिश रही कि हम लोगों को इससे बहुत हद तक निजात दिलाएं, और हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। अभी 150 के करीब टेररिस्ट इस पिछले 7 महीने के अरसे के अंदर मारे गए हैं, जबकि पिछले साल में पूरे साल के अंदर 160 मिलिटेंट मारे गए थे, और ये 7 महीने में 150 के करीब मारे गए हैं। 37 इनके टॉप कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, और 37 टॉप कमांडर जो मारे गए उसमें लगभग हर तंजीम का जो टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसके चलते अभी भी बौखलाहट का माहौल है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कोशिशें हैं कि बार बार दरअंदाजी की कोशिशें, बार बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। सीज फायर वायलेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं कि जो पहले के मुकाबले में लगभग 100% से भी ज़्यादा उन्होंने उनको बढ़ा दिया है, कि बार बार कोशिश करते हैं कि मिलिटेंट्स को भेजें, मगर हमारी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी ग्रेड है पहले से स्ट्रांग हुई है, हम लोगों ने इनके ऐसी कोशिशें नाकाम की है। अभी जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनका नंबर पहले के मुकाबले में लगभग आधे के बराबर अब रह गया है, नंबर भी पहले से काफ़ी कम हुआ है, और हमारी कोशिश है कि और पीसफुल माहौल आने वाले टाइम में पैदा करें। सर, एक तस्वीर सब जगह देखने को मिली, जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG या जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF और भारतीय सेना जो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, तो हर जगह आपने सबसे पहले जो लोकल टेररिस्ट हैं उनको मौका दिया सरेंडर करने का। ये कितनी तब्दीली और गेम चेंजर के तौर पर है, और आप लगातार परिवार के संपर्क में हैं, यहाँ तक कि उनके डेवलपमेंट के काम में भी मदद कर रहे हैं। ये एक काफ़ी समझ लीजिए कि सुखद तजर्बा है। हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए टेररिस्ट मारना ही एक काम किसी सिक्योरिटी फोर्स का या पुलिस फोर्स का नहीं होता है, वो तो एक इंसिडेंटल चीज़ है कि जब टेररिस्ट निकलता है बंदूक लेकर के लोगों की जान लेने के लिए, और हमारा काम है लोगों की जान बचाना, तो जाहिर है कि इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होगी। एक बचाने के लिए गन है, एक मारने के लिए गन है, दोनों के कन्फ्रंटेशन में टेररिस्ट मारा ही जाता है। इसके बावजूद भी सिविलियन के लिंक जो हैं, इस साल भी 22 के करीब सिविलियन के लिंक हुई, जो बहुत दुखदाई हैं, पेनफुल हैं। इस तरह की हरकतें नापाक जो हैं उनको रोकना हमारा काम है, मगर इसके साथ नए बच्चे उस तरफ अगर को जाते हैं तो उनको हम बहुत लार्ज स्केल पे पब्लिक कॉन्टैक्ट के जरिए लोगों को डिसुएड करते हैं, परसुएड करते हैं और वापस लाते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में हम लोगों को वापस ला के रिजुनाइट करवा चुके हैं फैमिलीज के साथ। और इसी साल की अगर बात करें तो मान लो को 80-90 के करीब नए नौजवान लड़के जो हैं वो टेररिज्म की तरफ गए, जिसमें 40 के करीब मारे गए, जो कि 50% तो बनते ही मारे गए।
तो लोगों को दिखता है कि ये रास्ता बर्बादी का है, तबाही का है। हम भी बताते हैं, समझाते हैं कि इस रास्ते पे चलना है तो मौत है, या किसी को मारोगे या मरोगे। इसमें हमने कोशिश करी कि बहुत सारे लड़कों को जिंदा वापस लौटाएं, तो हम कोई 22 लोगों को गिरफ्तार किया। किसी इनकाउंटर में नहीं गए, किसी में नहीं, उनको इधर उधर से अपने तरीकों से, जैसे पुलिस का काम होता है, गिरफ्तार करके वापस लाया, घर वालों से मिलाया। और इसका एक बहुत बड़ा असर जो है पब्लिक पे, अवाम के मनों पे है कि हम लोग कोशिश करते हैं उनको वापस लाने की। अभी देखिए, इस टोटल तादाद में जो लोग इस साल में बने, अगर 80 थे तो मारे जाने वाले और पकड़े जाने वाले को छोड़ के 20-22 लड़के टोटल बचे हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं ग्राउंड के ऊपर। हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में और भी इस ट्रेंड को चेक किया जाए कि लोग उस तरफ ना जाएं, लोग समझें कि ये बर्बादी का रास्ता है और अपने घर परिवार और अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कोशिश करें। सर, एक चेंज देखने को मिला पिछले एक साल में, कई सरपंच या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेम्बर्स या पॉलिटिकल लोग सामने आए और वो लगातार डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन एक थ्रेट उनके ऊपर बहुत था। प्रधानमंत्री ने मन की बात पे जैतून बेगम का नाम लिया, जैतून बेगम से बात हुई, उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट एक मेजर कंसर्न है, और आज भी जो और कल भी जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया गया, जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ या बीजेपी की तरफ उनका इंक्लिनेशन था या बीजेपी से सरपंच थे, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और खासतौर पर जो सरपंच हैं या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सिक्योर करने की क्या तैयारी है? पंच सरपंच एक लोएस्ट रिंग है हमारी, जो जहाँ की डेमोक्रेसी की उसका हिस्सा है और बड़ा नुमाया रोल है उनका। उसी के साथ साथ जो लोकल लेवल लीडरशिप है, जो लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बातें पहुँचाते हैं। पाकिस्तान को ऐसी कोई चीज़ जो तरक्की की बात करे, जहाँ की डेवलपमेंट की बात करे, जहाँ के लोगों को इस लंबे चौड़े बहरान से बाहर निकालने की बात करें जो 30 साल से चल रहा है, उनको बिल्कुल हजम नहीं होती, पसंद नहीं आती। जब जब ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहां पर होती हैं, पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज ISI खासतौर पे और आर्मी खासतौर पे, इनकी कोशिश रहती है कि जहां पर इस तरह की प्रक्रिया को रोका जाए, उसमें खलल डाला जाए, जहां पर मातम का माहौल और तकलीफ का माहौल जो है उसको फिर से पैदा किया जाए ताकि लोग इससे बाहर ना निकल सकें। उसी का नतीजा है कि जब जब ऐसी बात होती है तो ये पोस्टरबाजी करते हैं, उनके जो टाउट हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, अलग अलग तरह के थ्रेट्स उसके जरिए पोस्ट करते हैं। हमने बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को पकड़ा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पोलिटिकल लोगों को टारगेट किया या पंचों सरपंचों को टारगेट किया, वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, और उसके अलावा जो बचे हैं उनके ऊपर भी हमारा इस वक्त फोकस है। हमारी कोशिश है कि हम इस रुझान को, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं, मगर पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की कोशिश है कि इस प्रक्रिया को आगे ना चलने दें। ये दो थॉट्स की लड़ाई है और इसके बीच में हमें जो है मजबूती से काम करते रहना है। सर, पॉलिटिकल विल की बात की, खासतौर पे पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान अभी इस पैटर्न पे जो अपने प्रोपेगेंडा वीडियोज़ हैं वो रिलीज़ कर रहा है लगातार। 5 तारीख को लेकर एक लंबी चौड़ी लिस्ट और लंबा चौड़ा वीडियोज़ उसने रिलीज़ किया, अयोध्या को लेकर भी रिलेट कर भी यहाँ पर लगातार वीडियोज़ रिलीज़ किए। तो इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए किस तरीके की तैयारी, और 2G नेटवर्क को लेकर वो मेजर कंसर्न है? देखिए, बहुत लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये मलिशियस है, ये बेसलेस है, बेबुनियाद है, गलत है और प्रोवोकेटिव और मिस्चीवियस है, ताकि जहाँ के हालात को ख़राब कर सके। लोग बीच में काफ़ी हद तक समझने लगे हैं कि इस पाक प्रोपेगेंडे के चलते चलते जहाँ पर जो हालात बने हैं, इससे नजात पाना है तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से भी लोगों को बचने की ज़रूरत है। बहुत सारी नौजवान बच्चे जहाँ के जो खुद उस मीडिया के जो नरेटिव पाकिस्तान गलत तरीका फैलाता है उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग ऑफिशियल सतह के ऊपर भी एजेंसीज अपनी जगह पे काम कर रही हैं, और हम इसको और ज़्यादा काम करेंगे इस फ्रंट के ऊपर, क्योंकि इस पर काम और करना ज़रूरी है। बाकी 2G 4G हालात के साथ चलते चलते हम लोगों ने जितना जितना पॉसिबल है हालात के साथ इसको रिलैक्स किया है। कोई एक वक्त था जब सारे का सारा शटडाउन था, फिर एक वक्त आया लैंडलाइन रिस्टोर हुआ, फिर मोबाइल फ़ोन रिस्टोर हुआ, फिर 2G रिस्टोर हुआ। तो ये प्रक्रिया एक डायनामिक प्रक्रिया है, इसको टाइम टू टाइम देखा जा रहा है। सर, कश्मीर के साथ साथ जम्मू का कंसर्न भी एक मेजर है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का NIA की इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे पॉइंट्स बताए गए जो जम्मू रीजन में भी है, तो वहाँ पर भी इंटैक्ट सिक्योरिटी करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नहीं, इसमें बड़ी कामयाबी हमें जम्मू के एरिया में भी मिली है। इस बार 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 उन्होंने कोशिश करी इन्फिल्ट्रेशन की, मगर बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेशन चेक हो गई है। ड्रोन से वेपन फेंकने की कोशिश करी तो वो केस भी उनका वहाँ पर पकड़ा गया। जो उनके आर पार के एजेंट हैं वो बार बार पकड़े जा रहे हैं और उनको केसेस में हम बुक कर रहे हैं।
नार्को टेररिज्म की जो नई प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी पार से, उसमें बहुत बड़े केसेस पकड़े गए जिसमें बड़े बड़े खुलासे हुए और बहुत जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो लोग पकड़े गए। तो ये सिलसिला चल रहा है। जम्मू में भी हमारी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है पहले से ज़्यादा मजबूत। सर एक आखिरी सवाल, इस समय एक साल हो चुका है, आप सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और वो लोग जो आपको इस समय देख रहे हैं देश के अलग अलग एरियाज से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो एक लड़ाई है, ये एक इस तरह का सिलसिला है जो एक तरफ सच की खातर है, इंसाफ की खातर है, जान बचाने की खातर है, और दूसरी तरफ बर्बादी की, तबाही की लड़ाई है जो पाकिस्तान हमारे लोगों के ऊपर थोप रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग पहले से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे साथ। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को खासतौर पर शुक्रिया कहना चाहता हूं, और बाहर से भी जितनी सपोर्ट हम लोगों को आती है, लोग मनोबल बढ़ाते हैं फोर्सेस का, पुलिस का, वो भी काबिले तारीफ बात है। मगर लोकल लोग जिस तरह से तआवुन कर रहे हैं, पत्थरबाजी अगर कम हुई है तो सिर्फ हमारा काम नहीं है, लोगों का योगदान भी इसमें है। मिलिटेंसी अगर कम हुई है तो लोगों का योगदान भी इसमें है। लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर हुआ है तो हमारे लोगों का इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस की और हमारी फोर्सेस की तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा हमारे साथ मिल करके जो कोऑपरेशन दिया है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही हमें कोऑपरेट करते रहें। ये भी कहना चाहता हूँ कि नौजवान बच्चे जो अभी भी बहकावे में आकर के उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इस रास्ते पे अभी तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये तबाही का रास्ता है, मौत का रास्ता है, मातम का रास्ता है। तो हम खुशी की तरफ बढ़ें, खुशहाली की तरफ बढ़ें, अपनी तरक्की की तरफ बढ़ें। इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से इतने ज़्यादा स्कीमें जहाँ पर हैं और इतने ज़्यादा काम चल रहे हैं, हम उसका हिस्सा बने और उसका हिस्सा बन के अपनी तरक्की, अपने मुल्क की तरक्की और अपने इस एरिया की, खित्ते की तरक्की की बात करें। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ लोगों से, और अपनी फोर्सेस को भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिन्होंने एक साल भर में लोगों के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है बिना वजह, और बहुत अच्छा काम भी किया है लैंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में। मगर ये सारा कुछ करते हुए भी किसी तरह की लोगों के साथ ज़्यादती नहीं की है। मैं चाहता भी नहीं कि इस तरह का केस कोई हो, हमारा ऐसा मकसद हरगिज़ नहीं है। लोग हमारे अपने हैं, हमारा फ़र्ज है कि हम उनकी हिफाजत करें और उनकी ज़रूरत में उनके काम आए। ये बदलते हुए कश्मीर की वो तस्वीर है जो दिखाना बहुत ज़रूरी था। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह खुद कह रहे हैं कि पिछले एक साल में बदलाव एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं।